Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी इलेक्ट्रीशियन सीरीज का लेसन नंबर 10 है, सबक नंबर 10। पार्ट नंबर 10 और इसमें हम सीखेंगे समर सेविल के स्टार्टर में कनेक्शन कैसे करें, ठीक है। ठीक है, समर सेविल के कनेक्शन स्टार्टर में कैसे करें, तो एक बार स्टार्टर समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टार्टर है समर सेविल का, समर सेविल भी बाद में दिखाऊंगा। तो स्टार्टर में ये देख सकते हैं दो पुश बटन होते हैं, जो एक हरे कलर का होता है ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का यानी लाल कलर का होता है। हरे कलर का जो बटन होता है उससे स्टार्ट होती है समर सेविल, और रेड कलर का जो बटन है लाल कलर का उससे बंद होती है यानी स्टॉप होती है। और दो मीटर लगे होते हैं इसमें, जो एक एम्पियर मीटर है, जिस मीटर में ए लिखा होता है वो एम्पियर मीटर है, यानी मोटर कितना लोड दे रही है वो बताता है। और एक मीटर में बी लिखा हुआ होता है, उससे वोल्टेज मीटर देखते हैं, वोल्टेज देखते हैं कितने उस मीटर में। और एक पुश बटन और होता है उसके अंदर, जो छोटा लाल कलर का होता है, उससे हम ये देखते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं उसे दबाने के बाद में। बाकी एक एमसीबी लगी होती है और कुछ नहीं होता। तो और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये समरसेबल होती है और इसके अंदर से तीन तार निकलते हैं, एक केबल में से तीन तार निकलते हैं, एक लाल कलर का होता है रेड कलर का, एक पीले कलर का होता है येलो कलर, और एक नीले कलर का होता है ब्लू कलर का। उसी के कनेक्शन में बताऊंगा कैसे करते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा हो जाता है मैकेनिक नहीं मिलता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके तार कैसे जोड़ें। तो उससे पहले मैं स्टार्टर का डायग्राम बना लेता हूँ और समर सेविल का फटाफट। तो ये देख लिया आपने, ये समरसेबल है और ये स्टार्टर है। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे स्टार्टर के नीचे एक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें पांच कनेक्टर होते हैं, ये पांच कनेक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें अक्सर लेफ्ट साइड में फेस के तार लगाए जाते हैं, जैसे लिख रहा है इसमें कि मैंने मैंने लिखा है N, N से न्यूट्रल, P, P से फेस, R से रेड कलर लाल कलर, Y से येलो कलर पीला कलर, और B से ब्लू यानी नीला कलर, ये होता है। अब मेन जो इसके होते हैं, ये हम जो कनेक्शन करते वक्त ध्यान रखते हैं वो इन तीन तारों का रखते हैं समर सेबल वाले। ये न्यूट्रल फेस तो कोई सा भी किधर भी लग जाता है, न्यूट्रल फेस में इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, बराबर है। तब
अब समरसेबल के अंदर से एक केबल निकलती है जिसमें एक तो ऊपर वाला पंखा है, नीचे समरसेबल है, तो समरसेबल के अंदर से जो वायर निकलती है उसमें एक नीला तार होता है और एक पीला तार होता है, लेकिन पीली हमारे पास मार्कर नहीं है तो, और एक लाल तार होता है ये, और पीले की जगह मैं काला कर देता हूँ, ध्यान में रखना ये पीला ही है। बी बी से ब्लू मिला और वाई और ये आर आर चलो। तो इन्हीं तारों को देखना है, बाकी नहीं देखना कुछ भी। और इस तरफ जो है हमारे वो क्या है, सप्लाई है, इस तरफ क्या है सप्लाई है न्यूट्रल फेस की। अब हम जब इसके कनेक्शन करेंगे तो बिजली तो बाद में लगाएंगे, सप्लाई तो बाद में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे मोटर के कनेक्शन स्टार्टर में कर लेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा अगर कहीं से हमारा कोई हार्ड टच होता है किसी वायर के ऊपर, तब अगर हमने इधर से सप्लाई नहीं जोड़ी होगी तो हमें करंट नहीं लगेगा, चोट लगने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। और कोई भी लाइन डाले हम, कोई भी काम करें तो सप्लाई उसमें बाद में ही जोड़नी है हमें, इस बात का ध्यान रखना होता है थोड़ा सा। पहले अपना काम अपनी वायरिंग पूरी कर ले, उसके बाद में ही सप्लाई जोड़े, उससे ही होगा कि करंट लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है, लगता ही नहीं है। तो आप ये कनेक्शन समझ लेते हैं, कुछ तो समझ में आ भी गए होंगे क्योंकि मैंने बता दिए थे पहले ही। तो ये जो तीन तार समरसेबल के निकले, बाकी स्टार्टर के अंदर बहुत सारा मटेरियल और होता है, दो कैपेसिटर होते हैं, बाकी और चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उनको मैं किसी वीडियो में किसी सबक में जब मैं स्टार्टर बनाना सिखाऊंगा, उसके कनेक्शन करना सिखाऊंगा, स्टार्टर बनाने का जो सबक दिखाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताकर यानी बनाकर और उसके कनेक्शन दिखा दूंगा कैसे कैसे इसके स्टार्टर की वायरिंग होती है अंदर से। फिलहाल तो ये छोटा छोटा जो काम है वही मैं सिखा रहा हूँ अभी। तो कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं इसके, ये जो नीले कलर का तार है, ब्लू कलर का तार है, वो तार हमारा बी वाले कनेक्टर में, और स्टार्टर के अंदर भी ये सब लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होता है स्टार्टर के अंदर भी। और जो भाई पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए भी आजकल तो जो भी कंपनियां स्टार्टर बना रही हैं तो वो क्या करती हैं, लिखने के साथ साथ कलर स्टिकर लगा देते हैं कलर का, यानी जैसे बी है तो यहाँ नीला होगा, यहाँ पीला होगा, यहाँ लाल होगा, ऐसे स्टिकर लगाकर भेजते हैं जिससे परेशानी ना पड़े। तो ये नीला वाला तार बी में लग जाएगा और ये जो वाई वाला तार है यानी पीला तार है ये हमारा वाई वाले कनेक्टर में लग जाएगा, और ये जो रेड वाला तार है लाल वाला तार है वो हमारा रेड वाले यानी आर वाले पॉइंट में लग जाएगा। अब ये दो न्यूट्रल फेस बचे हैं, इनका हम क्या करेंगे, फेस का फेस में जोड़ देंगे, और न्यूट्रल का न्यूट्रल में जोड़ देंगे। बाकी स्टार्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन काम के सिर्फ ही दो तीन चीज़ें होती हैं, एक स्टार्ट बटन होता है और एक स्टॉप बटन होता है, स्टॉप बटन ये है, स्टार्ट बटन हरे कलर का होता है, बस ये होता है। अब क्या करेंगे हम, जब हमने समरसेबल के तार जोड़ दिए, और समरसेबल डालने से पहले, बोर में डालने से पहले
इसमें क्या होता है, यहाँ दो पेच लगे होते हैं जिन्हें खोलकर पानी भरना पड़ता है, तो उसे भर लेना होता है क्योंकि ये पानी के अंदर ही चलती है। कभी ऐसा होता है कि हम समरसेबल हमने डाली बोर के अंदर और उसमें पानी नहीं भरा और फौरन स्टार्टर लगाया, अंदर समरसेबल का काम हो जाता है। तो इसलिए समरसेबल को पानी भरकर ही उसमें अंदर बोर में डालें, उससे सेफ्टी रहेगी हमारी मोटर की। तो ये कनेक्शन, तो अब क्या करेंगे, अब हम स्विच दबा कर देखेंगे, हरा वाला स्टार्ट स्विच दबा कर देखेंगे तो कट की आवाज़ करेगा, खट की आवाज़ करेगा स्टार्टर और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब एम्पियर और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर अभी वोल्टेज नहीं बताता, यहाँ एक पुश बटन होता है छोटा सा, उसे हम दबाकर वोल्टेज देखेंगे। वोल्टेज जब हमारे 220 हो, 220 से लेकर 240 तक हो या 210 हो, जब भी मोटर चलानी है। अगर कम वोल्टेज पे हम स्टार्टर दबा देते हैं तो मोटर उठती नहीं है, क्या होता है मोटर के अंदर करंट जाता रहता है और मोटर फूक जाती है। तो पहले वोल्टेज देख लें ध्यान से, जब वोल्टेज 200 से ऊपर हो और 240 से नीचे हो, 240 से ऊपर भी नहीं जाए, तभी हमें मोटर चलानी है। अब जब हम मोटर का स्टार्टर दबा देंगे, स्टार्ट करने वाला बटन दबा देंगे, तो क्या होगा, ये जो हमारा एम्पियर मीटर है, इसमें ये तो मैंने निशान लगा दिए हैं, इसमें एक एम्पियर से 10 एम्पियर का होता है, 20 एम्पियर का, ये 30 एम्पियर का मीटर होता है, मीटर तो 50 एम्पियर से भी ज़्यादा के आते हैं, लेकिन अक्सर इसमें 30 एम्पियर का मीटर लगा होता है। तब हमारी मोटर जो है वो 5 एम्पियर करंट लेगी, स्टार्ट करेंगे तो सुई उठेगी पर, लेकिन 5 एम्पियर पर आकर टिक जाएगी। 1 एचपी की अगर मोटर है, उससे हमें पता लग जाएगा कि मोटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मोटर जाम नहीं है, हमारी ठीक चल रही है। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा ऊपर सुई जाती है तब हम समझेंगे मोटर के अंदर कोई दिक्कत है। अगर ये तो नई मोटर डालने की बात है, अगर पुरानी मोटर भी है तो फिर एक बार स्टार्टर ऑन करने के बाद में एम्पियर जो है बहुत ज़रूरी देख लें, अगर एम्पियर मीटर की सुई ऊपर जा रही है तो हम अपना स्टार्टर फौरन स्टॉप कर दें और मोटर को चेक करा लें किसी मैकेनिक से। तो समझ में आ गए होंगे, दोबारा से फिर सुन लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नीला तार बी में और पीला तार वाई में और लाल तार आर में, ठीक है, ये लगा देंगे और कोई जो है बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले सबक में, सबक नंबर 11 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel, subscribe and video like share. Thank you for watching my video.